आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की, कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है, कोई आवेश मान लेते हैं Q। तो अब इस आवेश के चारों ओर अपना एक क्षेत्र होगा, अपना एक फील्ड होगा। मान लीजिए ये इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है। अब जैसे ही किसी और आवेश को, जैसे कि मान लीजिए कोई एक और आवेश Q1 है, तो अब इस आवेश को जैसे ही तो हम इसके अंदर लाएंगे, इसके सर्कल के अंदर लेकर के आएंगे, ये Q इसे अपनी ओर खींचने लग जाएगा या धकेलने लग जाएगा। अगर समान आवेश हुए तो प्रतिकर्षित करने लग जाएगा, और विपरीत आवेश हुए तो इसको आकर्षित करने लग जाएगा। तो माना कोई आवेश था Q, और Q के चारों ओर अपना एक क्षेत्र था, जिसमें अगर किसी और आवेश को लाएंगे तो इस आवेश के ऊपर, Q1 के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब किसी आवेश के पास में किसी और आवेश को लाते हैं तो इसके ऊपर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी आवेश, यह आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, यानी इस आवेश जिसमें किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो उसके ऊपर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगेगा, इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस आवेश के ऊपर जिसे लाया गया है उसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां पर एफ होता है हमारा वैद्युत बल और क्यू होता है हमारा आवेश, या आप बोल सकते हैं परीक्षण आवेश, जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा हो, कोई टेस्ट चार्ज। तो आपसे कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र को किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिस पर वो किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आज के लिए इतना ही।